दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार आंगनवाड़ी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसके बारे में जानने वाले हैं। अगर आप भी बिहार आंगनवाड़ी का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताएंगे कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अपने आवेदन को सबमिट करना है, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना एप्लीकेशन फी है, ए टू जेड पूरी जानकारी बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बिहार आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती का आवेदन कैसे करेंगे ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या फिर आप कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, उम्र सीमा क्या है। और इसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल पर आ सकते हैं जहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पूरी जानकारी हिंदी में बताई हुई ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें और इसे समझ के आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकें। तो अगर आप इसके बारे में कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस आर्टिकल का, आप यहाँ पर आके इसके बारे में पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आपको आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया बताते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसी आर्टिकल के अंत में आना होगा। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, जिस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी आवेदन पत्र भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा जिसकी मदद से आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करके आप अपने आवेदन फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया जान लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है क्लिक हियर टू रजिस्टर, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आपको अपने डिटेल भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे विज्ञापन संख्या सेलेक्ट करना है। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका दो जिलों में भर्ती चल रहा है, पहला आपका लखीसराय है और दूसरा आपका पटना है। और आपको भी पता होगा कि आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आप वहीं आवेदन कर सकते हैं जहाँ के आप अस्थायी निवासी है। तो अगर आप पटना या फिर लखीसराय से है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन अभी कर सकते हैं। अगर आप किसी और जिले से है तो आप इंतजार करिए, जैसे आपके लिए नोटिस या फिर कोई नया भर्ती जारी होगा तो आपको यहीं पर अपडेट मिल जाएगा। तो आप जहाँ से भी है आप उसे सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना और नीचे आवेदित पद का नाम सेलेक्ट करना है कि आप कौन से पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ही पद का नाम दिया जा रहा है, लेडी सुपरवाइजर यानी कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का पद है, आपको इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे अपना डिटेल फिल करना है। सबसे पहले आपका नाम रहेगा हिंदी में, तो आपका जो भी नाम होगा आप उसे यहाँ पर फिल करिएगा। फिर यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि इंग्लिश में आपका नाम रहेगा। इसके बाद से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रहेगा, आपको कैलेंडर पर क्लिक करना है और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ से उसे सेलेक्ट करिएगा। आप आसानी से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना, नीचे आपका आई ऑटोमेटिक काउंट करके दिखाई देगा। फिर आपको नीचे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा आप उसे यहाँ पर टाइप करिएगा। इसके नीचे आपको मोबाइल नंबर फिल, और मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद आपको गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जिसे आप यहाँ पे ओटीपी को सबमिट करके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करा लेंगे। तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करके वेरीफाई करा लेना है। फिर आप नीचे आइएगा, नीचे आपको लिंक सेलेक्ट करना है जिसमें आपका महिला ऑलरेडी सेलेक्टेड है और आप इसे चेंज नहीं कर सकते। इसके नीचे आपका नेशनैलिटी यानी कि राष्ट्रीयता है, तो यहाँ पर भी आपका भारतीय सेलेक्टेड है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। इसके नीचे आइएगा, राज्य आपका सेलेक्टेड है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। इसके नीचे आपको जिला सेलेक्ट करना है, तो आप देख सकते हैं आपने यहाँ पे ऊपर में पटना सेलेक्ट करा था तो नीचे भी आपका पटना ऑटोमेटिक शो कर रहा है और इसे आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। इसके नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे आपको अपना आधार संख्या फिल करना है, आप अपना आधार संख्या फिल करिएगा। फिर आपको जो नीचे कैप्चा कोड दिया गया आप इसे यहाँ पर फिल करिएगा। और कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपको नीचे एक चेकबॉक्स मिलेगा जिसे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद से आपको रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको ऐसा मैसेज मिल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आपको आपका यूजर आईडी मिल जाएगा और नीचे आपको ईमेल आईडी दिया गया है। आपके ईमेल आईडी पे भी आपका डिटेल शेयर किया गया है, यानी कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा। तो आपको यहाँ पर यूजर आईडी मिल गया, आप अपने यूजर आईडी को यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और नीचे आपको लिंक मिल रहा है कि लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आपको इस लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने अब एक लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना यूजर आईडी फिल करना है, फिर आपको नीचे ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है
जैसे ही आप यूजर आईडी को फिल करके गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या फिर आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा जिसे आपको यहाँ पे फिल करना है, और इसके बाद से इस कैप्चा कोड को नीचे फिल करना है और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते ही हमारा आईडी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि व्यक्तिगत विवरण संपादित करें, यानी कि आप अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करें, और यहाँ पे आपको प्रिंट आवेदन का एक बटन दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना डिटेल फिल करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 5 स्टेप में अपना आवेदन कंप्लीट करना है, जिसमें आपका पहला ये है व्यक्तिगत विवरण, दूसरा आपका शैक्षणिक योग्यता, तीसरा आपका दस्तावेज अपलोड करना है, चौथा आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, और पांचवा आपका आवेदन पत्र को अंतिम रूप दे यानी कि फाइनल सबमिट करना है। तो चलिए हम एक एक करके इन्हें भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका व्यक्तिगत विवरण है, जिसमें आपका कुछ डिटेल पहले से ही शो कर रहा है कि आपने यहाँ पे क्या क्या डिटेल अपना रजिस्ट्रेशन में फिल करा था, वो सारा डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। अब आपको यहाँ पे अपना सबसे पहले पिताजी का नाम फिल करना है, हिंदी में नाम फिल करेंगे, इसके बगल में आपको इंग्लिश में फिल करना है, फिर आपको माता जी का नाम फिल करना है, इसके बगल में आपको इंग्लिश में नाम फिल करना है, और इसके बाद से आप नीचे आइए तो यहाँ पे 12 नंबर में आपको वैवाहिक स्थिति पूछा जा रहा है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर आप मैरिड होंगे तो आप यहाँ पे विवाहित को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अनमैरिड है तो अविवाहित को सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके यहाँ पे तलाक हुआ है तो आप यहाँ पे तलाक शुदा सेलेक्ट करेंगे। आप अपना यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट करिएगा, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पे आपको 13 नंबर में पति का नाम फिल करना होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपको यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़िएगा। आगे आने पर आपको 16 नंबर में पूछा जा रहा है कि आपका वर्ग क्या है, यानी कि आपका कौन सा कैटेगरी है, तो आप यहाँ से अपने कैटेगरी को सेलेक्ट करिएगा। आपको यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आरक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सारा कैटेगरी दिया गया है, तो आप अपने अनुसार कैटेगरी को सेलेक्ट करिएगा। कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जाति का नाम सेलेक्ट करना है कि आप कौन से जाति से हैं। आप अपने जाति को यहाँ पे स्क्रॉल करके सर्च कर लीजिएगा, और सर्च करने के बाद आपको उसे सेलेक्ट करना है, और इसके बाद से आपको यहाँ 18 नंबर में पूछा जा रहा है कि क्या आप दिव्यांग हैं, तो अगर आप दिव्यांग होंगे तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। और इसके बाद से जिला का नाम सेलेक्टेड है जिसे चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रखंड सेलेक्ट करना है, आप इस जिले में कौन से प्रखंड से आते हैं, तो आपको अपना प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से यहाँ पे आपको पंचायती सेलेक्ट करना है कि आपका पंचायत कौन सा है, तो आप यहाँ से अपने पंचायत सेलेक्ट करिएगा। फिर आपको यहाँ पे वार्ड सेलेक्ट करना है कि आप कौन से वार्ड नंबर में आते हैं, तो आप अपना वार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद से आपका मोबाइल नंबर शो कर रहा है, ईमेल आईडी है, यहाँ पे आपको अपना स्थायी पता फिल करना है कि आपका विलेज, पोस्ट, थाना क्या है, आप उसे फिल करिएगा। इसके बाद से आपको यहाँ पे अपना पिन कोड फिल करना है, जो भी आपका पिन कोड है आप इसे फिल करिएगा, और इसके नीचे पूछा जा रहा है कि पत्राचार का पता, ऊपर आपका स्थायी पता है और नीचे आपका पत्राचार का पता है, स्थायी पता मतलब परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पे पत्राचार का पता मतलब करंट एड्रेस, यानी कि अभी आप कहाँ रह रहे हैं और आपका स्थायी पता कहाँ है। आप ये दोनों अलग अलग फिल कर सकते हैं अगर आपके पास अलग अलग है तो, अदरवाइज आप इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करिएगा, आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। तो आप अपने यहाँ पे एड्रेस को फिल कर लीजिएगा। इसके बाद से आपको नीचे आना है, और नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अभ्यर्थी का पहचान चिन्ह मैट्रिक के प्रवेश पत्र के अनुसार, यानी कि आपके शरीर पे अगर कोई परमानेंट मार्क होगा तो आप उसे यहाँ पे फिल कर दीजिएगा कि आपके सर पे कट का निशान है, या फिर आपके हाथ पे कट का निशान है, या फिर आपके हाथ पे तिल है, गाल पे तिल है, जो भी आपका होगा आप उसे फिल करिएगा। इसके नीचे आपको कहा जा रहा है कि क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है, यानी कि अगर आप अपराधी हैं, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो आप यहाँ पे हाँ या ना करके आंसर करिएगा। और इसके बाद से आपका आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या आपका चयन पहले कभी रद्द किया गया है, यानी कि पहले कभी आपने आवेदन किया है और आपका सिलेक्शन यहाँ पे कैंसिल किया गया होगा, तो आप यहाँ पे हाँ या ना करके आंसर करिएगा। और इसके बाद से आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आप अगले स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना है कि आपने मैट्रिक कहाँ से करा है, इंटरमीडिएट कहाँ से करा है, स्नातक कहाँ से करा है, स्नातकोत्तर कहाँ से आपने करा है। यहाँ पे आपका मिनिमम मैट्रिक मांगा जा रहा है, तो अगर आपने केवल मैट्रिक की भी पढ़ाई करी है तो आप केवल मैट्रिक का डिटेल फिल करके आप इसे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हायर एजुकेशन है तो आप उसका भी डिटेल फिल करिएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी आपके यहाँ पे चयन प्रक्रिया में आपको आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप अपने यहाँ पे सभी डिटेल्स को फिल करिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम फिल करना है, आपका जो भी बोर्ड होगा आप उसे फिल करिएगा। फिर यहाँ पे सभी सब्जेक्ट है विषय में, क्योंकि मैट्रिक में आपका सारा सब्जेक्ट रहता है। फिर आपको राज्य सेलेक्ट करना कि आपने कौन से राज्य से अपने मैट्रिक क्वालिफाई करा है।
इसके बाद से आपका उत्तीर्ण वर्ष क्या है, आप यहाँ पे अपने डिटेल को फिल करिएगा। इसके बाद से यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कुल अंक क्या है, यानी कि आपने कितने अंकों का एग्जाम दिया था, तो अपना एग्जाम का फुल मार्क्स आप यहाँ पे फिल करिएगा। फिर आपको कितना मिला है आप उसे यहाँ पे फिल करिएगा। और इसके बाद से आपका प्राप्तांक श्रेणी है कि आप फर्स्ट डिवीजन थे, सेकंड डिवीजन थे, थर्ड डिवीजन थे, तो आप सेलेक्ट करिएगा। और इसके नीचे आप इसी प्रकार से अपना सारा डिटेल फिल करिएगा। जैसे कि इंटरमीडिएट में है तो आप अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करिएगा। बोर्ड का नाम फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा स्ट्रीम से अपना इंटरमीडिएट करा है, तो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, आप अपने अनुसार डिटेल को सेलेक्ट करिएगा। और इसके आगे सभी डिटेल्स को इसी प्रकार से आप फिल करिएगा। तो आप इन सभी चीज़ों को फिल करिएगा, फिर आपको सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। सेव वाले बटन पे क्लिक करते ही आपका डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगा। और इसके नीचे अगर आप आइएगा तो यहाँ पे आपसे कार्य अनुभव पूछा जा रहा है कि आपने अपने कार्य का अनुभव यहाँ पे फिल करिए कि आपने कौन से जिले में कब से कब तक काम करा है। तो आपको सबसे पहले जिला का नाम सेलेक्ट करना है कि आपने कहाँ पे काम करा है। और इसके बाद से आपके परियोजना का नाम सेलेक्ट करना है कि आपने उस जिले के अंतर्गत कौन से परियोजना के अंदर काम करा है, तो आप उसे सेलेक्ट करिएगा। जो भी आपका पंचायत होगा आपसे सेलेक्ट करिएगा। फिर आपको आंगनवाड़ी केंद्र का नाम सेलेक्ट करना है, आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र का नाम सेलेक्ट करिएगा, उसका कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको आगे आना है तो यहाँ पे आपको क्या कोई पुरस्कार दिया गया है, तो आपको हाँ या ना करके आंसर करना है। फिर इसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको कभी राज्य पुरस्कार मिला है, तो आप यहाँ पे हाँ या ना करके आंसर करिएगा। और इसके नीचे आपको फील करना है कि आपने कब से कब तक काम करा है, तो आप यहाँ पे अपने डेट को सेलेक्ट करिएगा। डेट को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको अगले स्टेप पे भेज दिया जाएगा जहाँ पे आपको दस्तावेज अपलोड करना है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका मैट्रिक का मार्कशीट पूछा जा रहा है जो कि आपका आयु प्रमाण पत्र के लिए है। फिर आपका मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। फिर इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का करना है, आपने जितना भी क्वालिफिकेशन फिल करा था आपको उन सभी का डिटेल फिल करना है। इसके साथ ही आपको कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है और बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, यानी कि आपको ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और इसके लिए आपको यहाँ पे गाइडलाइन बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे जो भी फाइल को अपलोड करिएगा वो आपका PDF में होगा और उसका जो साइज है 400 KB के अंतर्गत होना चाहिए और आपका जो PDF है ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। तो आप इस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करिएगा और यहाँ पे इसे अपलोड करिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद से आपको नीचे आना है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने अब अगला स्टेप आ जाएगा जहाँ पे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। और इसके लिए आपको गाइडलाइन दिया जा रहा है कि आपका जो फोटो होगा 50 KB से कम होना चाहिए और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि कृपया स्पष्ट फोटो का उपयोग करें, सेल्फी वाला फोटो आप यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे अपने फोटो को सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करके अपलोड वाले बटन पे क्लिक करिएगा। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है इंग्लिश में, फिर आपको हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है और इन तीनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही अब आप फाइनल स्टेप पे आ गए हैं। यहाँ पर आपको अपना आवेदन का प्रीव्यू देखना है और इसे फाइनल सबमिट करना है। तो प्रीव्यू देखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू प्रीव्यू। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपके आवेदन का एक प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक मैसेज मिला कि आपका पॉपअप ब्लॉक किया जा रहा है, तो आप इसे अलाउ करेंगे। जैसे आप अलाउ करेंगे इसके बाद से दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा जिसमें आप सभी डिटेल्स को मिला लेंगे। और इन सभी डिटेल्स को मिलाने के बाद आपको यहाँ पे आना है और इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करते ही आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आवेदन का प्रीव्यू देखने के बाद उसे डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकाले और उस प्रिंट आउट पे अपना हस्ताक्षर करके यहाँ अपलोड करें। यानी कि आपको जो प्रीव्यू दिया गया है, आपको ये जो PDF दिखाया गया है, आप इसे डाउनलोड करिए, इसे हेलो और इस पे अपना सिग्नेचर करिए। यहाँ पे नीचे आपको सिग्नेचर का एक बटन दिया गया, आप यहाँ पे सिग्नेचर करिए और इसे स्कैन करके PDF बना के दोबारा यहाँ पे अपलोड करिए और तब जाके आप इसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आवेदन को कम्प्लीट करिएगा। हमने आपको A to Z पूरी जानकारी बता दी है, शुरू से लेकर अंत तक हमने सारा डिटेल समझा दिया है। आशा करते हैं कि आप पूरी जानकारी समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा आपके पास और कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।